नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपना ही प्यारा यूट्यूब चैनल देसी वाटिका में दोस्तों ये है खूबसूरत सा पौधा यूफॉर्बिया मिली प्लांट यूफॉर्बिया मिली परमानेंट प्लांट है और ये सेमी सर्कुलेंट प्लांट है दोस्तों इसका वाइट कलर और येलो कलर भी बहुत ही खूबसूरत लगता है और ये हाइब्रिड क्वालिटी का ये मेरा प्लांट है दोस्तों यूफोर्बिया मिली का देसी वेराइटी भी आता है जो बहुत ही छोटे छोटे से फ्लावरिंग करते हैं दोस्तों इसमें जो पिंक कलर दिख रहे हैं ये फ्लावर नहीं है इसके बीच जो येलो कलर के दिख रहे हैं वो फ्लावर्स हैं और ये पंखुड़ी है इसका तो आप लोग ये ना समझे कि ये फ्लावर्स है ये बीच में जो दिखता है येलो कलर का वो फ्लावर्स होता है इसके फ्लावर्स बहुत ही छोटे होते हैं जिस तरह के मुसंडा में आता है फ्लावर्स बहुत ही छोटे होते हैं दोस्तों बात करते हैं ईफोरविया मिली प्लांट के केयर की तो इसे बहुत ज़्यादा केयर करने का ज़रूरत नहीं होता है यह एक हार्डी प्लांट है और बहुत ही ज़्यादा गर्मियों को बर्दाश्त कर लेता है या फिर ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर लवर प्लांट है दोस्तों ये काफ़ी इजी टू ग्रो प्लांट है आप किसी तरह भी इसे लाकर लगा सकते हैं लेकिन फिर भी कई बार कटिंग नहीं चल पाता है या फिर आपका प्लांट खराब हो जाता है तो बस एक ही रीज़न होता है ओवर वाटरिंग ओवर वाटरिंग से इस प्लांट को बचाएँ काफ़ी हार्डी प्लांट है लेकिन फिर भी इसमें अगर ज़्यादा ओवर कर देते हैं आप तो ये प्लांट ख़राब हो जाता है इस तरह से नमी हमेशा बरकरार रहना चाहिए लेकिन बहुत ही ज़्यादा पानी से भरा हुआ गमला नहीं होना चाहिए आपका दोस्तों मैं आज ही वॉचरिंग की हूँ इसलिए थोड़ा नमी बना हुआ है गर्मियों के मौसम में दो या तीन दिन गैप करके ज़रूर वॉचरिंग करें और सर्दियों में बीक में एक बार ही वॉचरिंग करें वो भी बहुत ज़्यादा पानी देने की आवश्यकता नहीं होती है इस प्लांट को छः से आठ घंटे तक की धूप चाहिए दोस्तों अगर आप इसे धूप में नहीं रखते हैं तो ये प्लांट ग्रो तो करेगा लेकिन फ्लावरिंग नहीं करेगा ये प्लांट कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है ये देखिए चार से पाँच इंच तक का आप कटिंग लेकर के इसका कटिंग बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं इस प्लांट को लगाते टाइम आप इस बात का खास ख्याल रखें कि फिफ्टी परसेंट सेंड और फिफ्टी परसेंट गार्डन सॉइल का यूज़ करें दोस्तों इस प्लांट को बहुत ज़्यादा कंपोस्ट नहीं चाहिए होता है इस प्लांट को साल में दो बार ही कम्पोस्ट दें एक तो आप फेबररी में दे दें और दूसरा सेप्टेम्बर में दोस्तों इस प्लांट के लिए आप ऑर्गेनिक कम्पोस्ट यूज़ करें जैसा कि वर्मी कम्पोस्ट या गोबर की खाद इसका फ्लावर लॉन्ग लास्टिक होता है ये देखिए बिल्कुल ही आर्टिफिशियल लग रहा है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है दोस्तों अगर इस प्लांट को आप सालों साल अपने गार्डन में रखना चाहते हैं तो इसे फुल सनलाइट दें और ओवर वाटरिंग से बचाएं कंपोस्ट भी ज़्यादा यूज़ मत करें और इस प्लांट से नए नए कटिंग से प्लांट लगाते रहें तो ये प्लांट आपके गार्डन में सालों साल बना रहेगा दोस्तों नर्सरी में इसके और भी कलर मिल जाएंगे आपको येलो वाइट रेड अगर इस प्लांट को आप नर्सरी से लाकर लगाना चाहते हैं तो फिफ्टी से सिक्सटी रुपीस तक मिल जाएगा प्लांट अगर आप नहीं ख़रीदना चाहते हैं तो किसी भी रोड साइड से आप ला के रोड साइड में ये प्लांट बहुत ज़्यादा लगा हुआ मिलेगा आपको वहाँ से छोटा सा कटिंग लाकर लगा सकते हैं और आसानी से आपके गार्डन में ये हो जाएगा दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना और अपने बगिया का ख्याल रखिए बाय थैंक यू